live and die by facts. Yet studies have shown that lies laced with anger and hate spread faster and further than facts. नमस्कार, ऑल्ट न्यूज फैक्ट चेक्स में आपका स्वागत है। पिछले कुछ सालों की तरह 2021 में भी ऑल्ट न्यूज गलत जानकारियों को उजागर करने में आगे रहा। हमने मुश्किल से मुश्किल दावों की पड़ताल बाकियों से पहले की और ये काम हमने बिना किसी डर या पक्षपात के जारी रखा। हमें इस साल कई लीगल थ्रेट्स का सामना भी करना पड़ा, लेकिन इनकी वजह से हमारे काम में कभी कोई रुकावट नहीं आई। तो आइए साल 2021 के फैक्ट चेक सफर में हमारे साथ जुड़िए। इस साल हमने देखा कि जब भी कोई बड़ी घटना घटी, इससे जुड़ी गलत और भ्रामक जानकारियां शेयर की जाने लगी। चाहे वो 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन हो, या अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा, या फिर बंगाल चुनाव परिणाम, भ्रामक सूचनाओं का इस्तेमाल संगठित तरीके से करते हुए नैरेटिव्स बनाए गए। उदाहरण के तौर पर किसान प्रदर्शन के दौरान फर्जी सूचनाओं के आधार पर उन्हें खालिस्तानी या देश विरोधी करार देने की खूब कोशिश हुई। इस नैरेटिव को आगे बढ़ाने में मीडिया संगठनों ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। ट्रैक्टर्स को लाइट से सजाया गया है ताकि गणतंत्र दिवस के मौके पर दुनिया को कृषि कानून का विरोध दिखाया जा सके। लेकिन जरा रुकिए, ऑल्ट न्यूज ने इस वीडियो की जांच की और पाया कि ये 2020 में जर्मनी में क्रिसमस के मौके पर ट्रैक्टर्स को सजाए जाने का वीडियो है। किसान आंदोलन को बदनाम करने का सिलसिला यही नहीं रुका। प्रमुख मीडिया संगठनों ने सिंधु बॉर्डर खाली करवाने आए लोगों को स्थानीय लोग बताया, लेकिन असल में ये लोग हिंदू सेना से जुड़े थे। 2021 में अफगानिस्तान पर तालिबान के काबिज होने की घटना भी काफी सुर्खियों में रही और इसके इर्द गिर्द कई गलत जानकारियां शेयर की गई। इसमें भी भारतीय प्रमुख मीडिया संगठनों का काफी बड़ा हाथ रहा। दावा किया गया कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने पंजशीर में हमला किया, जबकि ये दावा न सिर्फ गलत निकला बल्कि इसे चलाने के लिए सबूत के तौर पर दिखाया गया वीडियो भी एक गेम का था। ऐसा ही एक और वीडियो चलाते हुए मीडिया संगठनों ने दावा किया कि तालिबान ने हेलीकॉप्टर से अमेरिकी अनुवादक को फांसी पर लटका दिया। ऑल्ट न्यूज ने पाया कि ऐसी कोई घटना नहीं हुई थी। इस साल हमने कुछ ऐसे उदाहरण भी देखे जहां अधिकारियों ने असली घटनाओं को या तो नकार दिया या फिर उन्हें अवैध करार दिया। जैसे त्रिपुरा हिंसा के वक्त पुलिस ने बयान दिया था कि पानी सागर में कोई मस्जिद नहीं जलाई गई। पानी सागर में कोई मस्जिद में आगजनी नहीं हुई। लेकिन इन अधिकारियों के बयानों का जमीनी हकीकत से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था। ये पोस्ट ट्रूथ पॉलिटिक्स का एक उदाहरण था जिससे सच्चाई छुपाने की जी तोड़ कोशिश की गई। पश्चिम बंगाल चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद इससे जुड़ी गलत जानकारियां शेयर की गई। चुनाव नतीजों के बाद बंगाल में कई जगहों पर हिंसा देखने को मिली। फर्जी दावों का सहारा लेकर एक प्रोपेगेंडा चलाया गया कि राज्य में हिंदू नरसंहार हुआ है। सोशल मीडिया पर हिंदू जेनोसाइड के दावों वाले पोस्ट को लाखों लोगों ने असली मानकर लाइक और शेयर किया, लेकिन असलियत में इन दावों में कोई सच्चाई नहीं थी। इन दावों के साथ शेयर किए गए ज्यादातर वीडियोस और तस्वीरें बांग्लादेश की थी। इस साल तस्वीरों और वीडियोस के असली संदर्भ को छोड़ एजेंडा चलाने के लिए गलत दावों के साथ इसे शेयर करने का चलन बढ़ते हुए देखा गया। देश में अल्पसंख्यकों पर निशाना साधने और ध्रुवीकरण के लिए ऑर्गेनाइज्ड तरीके से गलत दावों का ये चलन साल दर साल बढ़ा है। सांप्रदायिक विभाजन को बढ़ावा देने के लिए मनगढ़ंत गलत सूचनाओं को फैलाने या फिर राजनेताओं या प्रमुख चेहरों द्वारा अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स या भाषणों द्वारा इन गलत दावों के प्रचार प्रसार के साथ साथ इस साल मेडिकल क्षेत्र से जुड़ी भी कई गलत और भ्रामक जानकारियां शेयर की गई और ये इस हद तक आगे बढ़ा कि WHO ने इसे इन्फोडेमिक नाम दिया। यहाँ भी ऑल्ट न्यूज की साइंस टीम ने ज्यादा से ज्यादा वायरल दावों की जांच की और सच्चाई पेश की। 2021 में ऑल्ट न्यूज ने सोशल मीडिया पर चलाई गई हेट स्पीच पर भी नजर रखी और ऐसे कई प्लेटफॉर्म्स हटाने का काम किया जो अक्सर भड़काऊ दावे किया करते थे। या तो खुद मरने को तैयार रहो या मारने को तैयार रहो, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। 2022 में भी ये ऑल्ट न्यूज के कामों की लिस्ट में बना रहेगा। ये सब ऑल्ट न्यूज के रीडर्स के फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन के बिना संभव नहीं था। हम इतना सब कुछ इसलिए कर पाए क्योंकि हमारे पाठक ने हमारा पूरी तरह से सहयोग किया।
आपने महामारी के कठिन दौर में भी हमारा काम बिना किसी रुकावट के चले, इसके लिए हमारी मदद की। आपके सहयोग से ये सुनिश्चित होता है कि हमारे काम में पूरी स्वतंत्रता बनी रहे। इतना प्यार और सहयोग के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप अपना समर्थन यूं ही बनाए रखिए। It's an arms race in our information ecosystem. To stop that requires a multilateral approach that all of us must be part of. It begins by restoring facts.